हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज क्लास सिक्स सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। पढ़ रहे हैं एज प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको नाउन डिफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाए थे, और कल थोड़ा बहुत नाउन के काइंड्स के बारे में भी हमने आपको बताया था। उससे आगे आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज प्रॉपर नाउन। As I have taught, a proper noun is a word। एक जो proper noun का means मैंने आपको कल बताया था, हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक व्यक्ति विशेष का जो नाम होता है, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष, एक पार्टिकुलर हो जाता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। proper noun का means क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। A proper noun is a word that refers to a particular। एक जो proper noun होती है वह होता है जो एक विशेष member, विशेष सदस्य of a class of persons, एक व्यक्ति का विशेष नाम, एक स्थान का विशेष, एक उसका पार्टिकुलर प्लेसमेंट एंड पार्टिकुलर थिंग, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे अभी हमने कहा अमित, क्या कहा? अमित। तो क्वेश्चन, ये कौन सा नाम है अमित? तो जो अमित है वो एक विशेष व्यक्ति है, इट मीन्स पार्टिकुलर नेम है, हम उसे अमित के नाम से बुलाते हैं तो आ जाएगा। तो अमित क्या हुआ? हमारा प्रॉपर नाउन। अभी हम कहते हैं राहुल स्टैंडअप, तो राहुल क्या हुआ? हमारा राहुल भी प्रॉपर नाम हुआ, क्योंकि वो एक विशेष व्यक्ति का नाम है, एक पार्टिकुलर नेम है। इसमें यही समझना है तुम्हें, एक जो पार्टिकुलर नेम होता है वो हमारा प्रॉपर नाम होता है, वो किसी पर्सन का हो, प्लेस का हो या किसी थिंग का हो। आगरा, अभी हमने कहा मैं आगरा जा रहा हूं, तो आगरा एक पार्टिकुलर प्लेस का नाम है, आपको पता लग गया होगा आगरा का। आगरा हुआ जहां ताजमहल स्थित है, तो आगरा क्या हुआ? हमारा एक प्रॉपर नाम हुआ आगरा। द रामायण, अभी हमने कहा आपसे किताब लिया है तो आपके पास में बहुत सारी बुक है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं रामायण लेके आओ, तो रामायण क्या है? एक पार्टिकुलर बुक का नेम है, एक होली बुक है हिंदू की, और उसे, तो ये हमारा क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। गॉट इट? समझ में आ गया? देन प्रॉपर जो नाउन होता है वो एक विशेष, इट मींस पार्टिकुलर नेम होता है किसी प्लेस का थिंग का और पर्सन का। सेकंड देखेंगे व्हाट इज कॉमन नाउन, गिव एग्जांपल्स। कॉमन नाउन का मींस होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। कल मैंने आपको लिखाया था, आ कॉमन नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू एनी मेंबर ऑफ अ क्लास। एक किसी जाति का कोई मेंबर हो और हम उसे उसके नाम उसे पुकारते हैं उस जाति से, और पर्संस, प्लेसेस और थिंग्स, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। लाइक दैट मैंने अभी कहा लड़के आ जाएंगे, तो लड़के मीन्स बहुत सारे सभी आ जाएंगे, और तो ये लड़के क्या हुआ? हमारा बॉयज क्या हुआ? कॉमन नाउन। अभी हम कहते हैं गर्ल्स आ जाए, गर्ल्स क्या हुआ? कॉमन नाउन। अभी हम कहते हैं मेन आ जाए, मेन क्या हुआ? कॉमन नाउन। प्लेसेस, अभी हम कहते हैं मैं शहर जा रहा हूं, देयर आर मेनी सिटीज इन इंडिया, सिटीज है नहीं है, सिटीज है इन इंडिया, आपको क्या पता कहां जा रहा है, शहर जा रहा हूं। और थिंग्स, मैंने कहा मैं पेन ले रहा हूं या बुक ले रहा हूं या चेयर ले रहा हूं, तो ये सभी क्या थिंग्स हैं। तो ये क्या बताती है? क्लास बताती है, और जो क्लास को शो करता है वो हमारा कॉमन नाउन होता है, बॉय, बुक, गर्ल, सिटी एटसेट्रा। ओके, गॉट इट? आप दोनों समझ गए होंगे, जो दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, उसमें एक पार्टिकुलर नेम आता है और उसमें क्लास बताई जाती है, डिफरेंस है, आराम से आप कर सकते हो। मैंने कल आपको एक होमवर्क, छोटा सा टास्क दिया था,
राइट डाउन फोर कॉमन नाउन्स, आपको एटलीस्ट फोर कॉमन नाउन्स राइट करनी है एंड राइट डाउन फोर कॉमन प्रॉपर नाउन्स। तो ये आपने कर लिया होगा, आप इनकी हेल्प से कर सकते हैं। ओके, बुक भी आपको साथ ही साथ फिल करनी है जो हम करा रहे हैं। और ये ध्यान रखें, हम आपके यहाँ पर विजिट करने वाले हैं, आपकी जो नोटबुक हैं वो बुक और फिर नोटबुक चेक की जाएंगे। थैंक यू।